फ्रेंड्स, माय नेम इज अमनजन। आज हम बात करेंगे कोटक महिंद्रा के बारे में। आज अगर आपने देखा होगा तो 8.53% बढ़ के कोटक महिंद्रा बैंक का जो स्टॉक है ऊपर की तरफ भी क्लोज हुआ है, 100 रुपये प्लस। इन द मॉर्निंग अगर आप देखेंगे तो 150 रुपये के करीब प्लस में था, और इसका देखेंगे तो 1282 के करीब क्लोजिंग दी है, और हायर लेवल्स के ऊपर ही ये स्टॉक चल रहा था आज। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो मॉर्निंग में न्यूज़ चैनल की तरफ से एक न्यूज़ आई थी, और उसे रूमर भी कहा जा सकता है। मॉर्निंग में अगर देखेंगे तो 1180-90 के करीब ये स्टॉक चल रहा था, और अचानक से जो है ये स्टॉक 1300-1350 के करीब गया, और वहाँ से फिर से जो है बैंक की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया, और उसके बाद जो है फिर ये स्टॉक 1250 के भी नीचे गिरा था। तो काफ़ी मीन्स उतार चढ़ाव आज देखने को मिला है, काफ़ी हड़बड़ाई देखने को मिली है आज। और इसके अंदर अगर देखेंगे तो रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं उसी को सबसे ज़्यादा लॉस होता है, रूमर भी है या नहीं है वो बाद में पता चलेगा। और अगर ऑफिशियल अनाउंसमेंट कंपनी की तरफ से, बैंक की तरफ से अगर आता है तो ही जो है इसमें आगे जाके काफ़ी अच्छा रिटर्न और देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये एक न्यूज़ थी जिसे कोटक महिंद्रा बैंक ने गलत साबित किया है। और आप अगर देखेंगे तो कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर ये न्यूज़ आ रही थी कि जो वॉरेन बफेट की कंपनी है बर्कशायर हैथवे, 10% के करीब जो स्टेक लेने चाहती है, ये एक न्यूज़ थी। तो उसी के कारण जो है स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली, और उसी के कारण जो है ये स्टॉक बढ़ा। और उसके बाद कंपनी का नोटिफिकेशन आया कि कंपनी इज़ अनअवेयर ऑफ एनी प्लान्स बाय बर्कशायर हैथवे बाइंग स्टेक इन द बैंक। तो कोई भी अगर स्टेक लेता है तो आरबीआई का अप्रूवल लगता है, सेबी का भी अप्रूवल लगता है अगर बाहर की कोई कंपनी लेती है तो, सारे चीज़ें कंपनी को भी नोटिफिकेशन डालना पड़ता है। तो काफ़ी मीन्स आज आपने देखा होगा कि रूमर्स अगर अच्छे आते हैं तो स्टॉक्स काफ़ी ऊपर भी चले जाता है, और रूमर ख़राब भी आ जाते हैं तो नीचे की तरफ स्टॉक जाता है। तो दोनों तरफ ये स्टॉक चला है। तो अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट कंपनी की तरफ से नहीं है कि बर्कशायर हैथवे इस कंपनी में स्टॉक लेने वाली है, तो ये एक रूमर ही था जो न्यूज़ चैनल की तरफ से था। तो यही आज इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो आप तक पहुंचानी थी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वॉरेन बफेट की कंपनी इस कंपनी के स्टेक लेने वाली है। चलिए चलिए, थैंक यू।